हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू मस्ट बी इन गुड हेल्थ एंड स्टडिंग वेल। आई एम राहुल भटनागर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो हम उस नए चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं जिसका जिक्र हमने हर चैप्टर में किया है। मतलब अब तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं स्टूडेंट्स, उनका ये फाइनल डेस्टिनेशन है। जी हाँ, आपने ठीक समझा, इस चैप्टर का नाम भी फाइनल अकाउंट है और ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 18 जिसको नाम दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इस नाम से आपकी बुक में दिया हुआ है। आज हम इसको शुरुआत करने वाले हैं। ये चैप्टर स्टूडेंट्स आपके एग्जामिनेशन में कम से कम 30 मार्क्स का आता है। इससे ही आपको अंदाज़ा लग सकता है कि इस चैप्टर की कितनी इम्पोर्टेंस है। अकेले इस चैप्टर के दम पर ही आप अपना ये अकाउंट्स का पेपर क्लियर कर सकते हो। इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स को समझने से पहले हमें थोड़ा सा बेस समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेस हमारा कमज़ोर हुआ तो हम न्यूमेरिकल्स में गलती कर जाएंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने नए चैप्टर जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स, जिसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है, किसी भी बिज़नेस में अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है तो उसकी सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री से हम क्या बनाते हैं? लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। और लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस को हम पोस्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में स्टूडेंट्स, आपको रिमाइंड करवा दूँ, इसके डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस कौन से होते हैं। डेबिट बैलेंस में कौन से आने चाहिए? हमारे एसेट्स आने चाहिए, हमारे एक्सपेंसेस आने चाहिए, लॉसेस आने चाहिए और ड्राइंग्स आनी चाहिए। और क्रेडिट साइड में क्रेडिट बैलेंसेस कौन से होते हैं? हमारी लायबिलिटीज़ होती है, कैपिटल होती है, रिवेन्यू होता है और गेन होता है। ये मोस्टली क्रेडिट साइड में, और एसेट्स एक्सपेंडिटीज़ डेबिट साइड में। अब अगर ट्रायल बैलेंस हमारी मैच कर जाती है, इट मीन्स अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो लेजर अकाउंट से हमने जो पोस्टिंग करी है वो ठीक करी है, देर इज़ नो अर्थमेटिकल एरर। अब ट्रायल बैलेंसेस के बैलेंसेस से हम क्या बनाते हैं? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। ट्रायल बैलेंसेस से बनेंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनता है स्टूडेंट्स? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीन चीज़ों को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप ये पूछोगे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? स्टूडेंट्स, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या ओनर्स बिजनेस के या मैनेजमेंट ये जानना चाहती है कि एक साल में हमने कितना प्रॉफिट कमाया, हमें प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ। इट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, दैट इज़ हाउ मच प्रॉफिट अर्नड और लॉस सफर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अगर अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल टू मार्च है तो इस फाइनेंशियल पोजिशंस में कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है या लॉस सफर हुआ है, ये हर कोई जानना चाहता है। बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हमें पता चलता है जब हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैंने परफॉर्मा बनाया हुआ है, इसको हम अभी बाद में समझते हैं। अभी हम समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्यों बनाया जाता है। एक और रीज़न है स्टूडेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का, टू नो द फाइनेंशियल पोजिशंस ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल पोजीशंस का मतलब उसके कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं, कितने डेटर्स उसके हैं, कितनों से पैसा लेना है या कितने क्रेडिटर्स हैं, कितनों को पैसा देना है अभी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जिसको पता चलता है हमें बैलेंस शीट से। ये बैलेंस शीट्स का परफॉर्मा है, इसको भी अभी हम समझते हैं। इसके अलावा एक और जिज्ञासा होती है कि हमने डिफरेंट अकाउंट हेड में कितना खर्चा किया हुआ है और पिछले साल उसी अकाउंट्स का उसी हेड का कितना खर्चा था, वो कंपेरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सपेंसेस या प्रीवियस ईयर रिवेन्यू आल्सो, कि हमने इस हेड में पिछले साल इतना खर्चा था, इस साल इतना है, अगर बढ़ गया है तो क्या फैक्टर्स हैं उसके या उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इन सब बातों के लिए हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए अब हम समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो अकाउंट्स हेड होते हैं, एक है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है बैलेंस शीट्स। इसमें कौन कौन से हेड आते हैं अब हम इसको समझते हैं। ये पोर्शन स्टूडेंट्स ट्रेडिंग अकाउंट का है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं
और क्रेडिट साइड में हम सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है स्टूडेंट्स एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स और मटेरियल विच आर डायरेक्टली रिलेटेड या डायरेक्टली एसोसिएटेड विद आवर बिजनेस एक्टिविटी। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई फैक्ट्री है या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसमें अगर कोई भी हम खर्चा कर रहे हैं जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो वो उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से हमारा मतलब है जो पिछले साल का हमारा अनसोल्ड स्टॉक कितना बचा हुआ है। अगर हमारा अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल को हमारा वो अनसोल्ड स्टॉक कितना है उसको हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक में। अगर कोई कंपनी ने इसी साल शुरुआत करी है तो उसका कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, क्योंकि उसकी शुरुआत ही इसी साल हुई है, तो अनसोल्ड स्टॉक का मतलब ही नहीं है। दूसरा हेड है परचेजेस। परचेजेस का मतलब स्टूडेंट्स परचेज ऑफ गुड्स एंड मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, या अगर हम कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं जिसको जिससे कि हमने कोई फर्दर मैन्युफैक्चर करना है गुड्स को, उसमें हम इंक्लूड करेंगे। परचेजेस के अंदर हम सिर्फ वही गुड्स को इंक्लूड करेंगे जो हमारा एसोसिएटेड है हमारी बिजनेस एक्टिविटी के साथ। अगर हमने कोई फर्नीचर खरीदा या मशीन खरीदी जिससे कि वो गुड्स को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसको हम परचेजेस में नहीं मानेंगे। फर्नीचर और मशीन्स का हम अलग अकाउंट बनाते हैं जिसको हम फर्नीचर अकाउंट या मशीन अकाउंट बोलते हैं। परचेजेस में स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा वही गुड्स और मटेरियल आएगा जो एसोसिएटेड है हमारी बिजनेस एक्टिविटी के साथ। हाँ, अगर हमारी बिजनेस एक्टिविटी कुछ इस तरह की है, हम ट्रेडिंग करते हैं फर्नीचर की या मशीन की, तब हमारा वो मशीन या फर्नीचर जो है वो हमारा गुड्स हो जाएगा। अदरवाइज हम फर्नीचर और गुड्स को परचेजेस में नहीं दिखाएंगे, इसके लिए हम अलग अकाउंट बनाते हैं फर्नीचर अकाउंट या मशीन अकाउंट। ठीक है, एक और चीज़ है परचेजेस में हम कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों को इंक्लूड करके यहाँ परचेजेस में दिखाएंगे। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई 10,000 रुपीज़ का मटेरियल परचेज किया है जिसके ऊपर 6% CGST और SGST है। मीन्स CGST इनपुट और SGST इनपुट 6%, तो कितना हो गया 600 रुपीज़। 600 रुपीज़ टोटल जो हमें पेमेंट करनी है 11,1200 रुपीज़ की। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम परचेजेस के अंदर 11,200 दिखाएंगे या 12,000 दिखाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे परचेजेस में हम सिर्फ से 10,000 दिखाएंगे, हम ये 1,200 रुपीज़ को नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? इसका एक्सप्लेनेशन मैंने स्टूडेंट्स अपने GST के चैप्टर में बहुत अच्छे से किया हुआ है। जब हम परचेजेस के साथ में CGST और SGST देते हैं, तो हम इसको बोलते हैं इनपुट CGST और इनपुट SGST। इस इनपुट CGST को हम सेल्स के साथ, जिसमें हम कलेक्ट करते हैं CGST और SGST, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, उसके साथ एडजस्ट करते हैं। इसीलिए हम परचेजेस के साथ में CGST और SGST को नहीं दिखाएंगे। ये आउटपुट के साथ में हमारा सेट ऑफ होता है। इसको और डिटेल में जानने के लिए स्टूडेंट्स हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं अपने GST के ऊपर। मेरा आपको यह सजेशन रहेगा कि आप वो भी देखिए। चलिए फिलहाल हम और आगे चलते हैं। परचेजेस पे हमने समझ लिया कैश और क्रेडिट आएगा और सिर्फ से बेस अमाउंट आएगा उसमें, जो CGST SGST नहीं लगेगा। अब अगर परचेज हमने रिटर्न करते हैं, हमने कहीं से परचेज किया, अगर कुछ माल डिफेक्टिव आया तो हमने अगर रिटर्न किया है, तो हम परचेजेस में से रिटर्न माइनस कर देंगे और यहाँ पे हम टोटल अमाउंट डाल देंगे। नेक्स्ट है हमारा वेजेस। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको मालूम है वेजेस में और सैलरीज में क्या फर्क है? वेजेस स्टूडेंट्स फैक्ट्री वर्कर्स को दी जाती है। जो वर्कर्स हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हम उनको वेजेस देते हैं, या हमने कोई लेबर को एंगेज किया है उनको हम वेजेस देते हैं। और सैलरी हम देते हैं अपने ऑफिस स्टाफ को, ऑफिस के सुपरवाइज़र को या मैनेजर को, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो हमारा टैक्स का काम कर रहे हैं, अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, उनको हम देते हैं सैलरी। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होने का है। यहाँ पर हम सिर्फ से वेजेस को लिखेंगे जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसिस में आता है।
और सैलरीज को हम लिखेंगे पी एंड एल अकाउंट में, जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। एक और चीज़, अगर आपको ये दिया हुआ हो वेजेस एंड सैलरीज, एंड कभी कभी दिया होता है सैलरीज एंड वेजेस, तो इसको कहाँ कैसे पोस्ट करना है आप इसको समझिए। अगर आपको दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरीज, इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यहाँ पे सबसे पहला वर्ड जो है वेजेस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और यहाँ पे हमने फैक्ट्री के किसी सुपरवाइज़र को कोई हमने सैलरी पे करी है, तो इसको हम लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरीज एंड वेजेस को हम लेंगे पी एंड एल अकाउंट में। पहला वर्ड अगर सैलरीज लिखा हुआ है तो हम पी एंड एल अकाउंट में लेंगे, पहला वर्ड अगर वेजेस लिखा है तो हम लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पे मतलब है कि हमने सैलरी दी है अपने ऑफिस स्टाफ को, और वहाँ पे कोई लेबर एंगेज करी है, उसको हमने वेजेस पे किया है। तो इस कंसेप्ट को आपने बहुत अच्छे से समझना है और गलती नहीं करनी है। चलिए और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कैरिज इनवर्ड, इसको कार्टेज इनवर्ड भी बोला जाता है, फ्रेट भी बोला जाता है। कैरिज इनवर्ड से मतलब है स्टूडेंट्स, हमने कुछ मटेरियल ख़रीदा है और उसको हम अपनी गोडाउन तक लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं पंजाब से मटेरियल ख़रीदा है और आपका ट्रेडिंग है या फैक्ट्री है कहीं दिल्ली के आसपास है, तो आप पंजाब से अगर दिल्ली ला रहे हो तो वो कैरिज इनवर्ड है, क्योंकि आपकी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न यहाँ पे है। तो इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हैं, और कैरिज इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। और जहाँ आउटवर्ड लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है हमने उस मटेरियल को, गुड्स, फिनिश्ड गुड्स को हमने सेल पर्पस के लिए अपने गोडाउन से, अपने स्टोर से बाहर भेजा है। तो कैरिज आउटवर्ड अगर लिखा हुआ आता है तो हम उसको पी एंड एल अकाउंट में लेके आएंगे, और इनवर्ड को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेके आएंगे। और आगे चलते हैं। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, अगर हम उस फैक्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का अगर हम कोई रेंट दे रहे हैं, तो वो भी तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हो गया ना, क्योंकि हम उस फैक्ट्री में हम अपना गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको आगे जाके हम बेचने वाले हैं। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लगती है या पावर लगती है इन फैक्ट्री, ये ध्यान रखिएगा, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। और यही अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर ऑफिस में है तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। अब चलते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में सेल्स आती है। सेल्स का मतलब क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल। अगर सेल्स रिटर्न है तो हम सेल्स में से माइनस करके यहाँ नेट सेल्स लिख देंगे, और लास्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक से मतलब हमारा अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अगर हमारा अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च है, तो 31 मार्च को हमारा अनसोल्ड स्टॉक जो भी रह गया है वो क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अब स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा 1 लाख रुपए का बचा है फॉर एग्जांपल, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 90,000 है, हमें कॉस्ट पड़ी है 1 लाख रुपीज़, और अगर मार्केट वैल्यू 90,000 है, तो आप क्लोजिंग स्टॉक में क्या लिखोगे अमाउंट? क्लोजिंग स्टॉक में हम 90,000 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? ये हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट हमें क्या कहता है? एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर लॉसेस और एक्सपेंसेस। तो हमारा जो मटेरियल था 1 लाख रुपए का, अनसोल्ड मटेरियल था, अगर आज हम उसको बेचने जाते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू 90,000 है, तो हम 90,000 ही लिखेंगे एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, जो हमारा यहाँ तक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। इसके बाद जो हमने बनाया है ये हमारा है पी एंड एल अकाउंट। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट के यहाँ दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, और होपफुली हमारा क्रेडिट साइड ही बड़ा आना चाहिए क्योंकि सेल्स है इसके अंदर। हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं और उसमें से इन फिगर्स को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, और इन केस भगवान ना करे कभी अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस बच रहा है, तो यहाँ पे आएगा हमारा ग्रॉस लॉस। हम नहीं चाहते किसी भी बिजनेस कंसर्न का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आए, तो इसलिए हम एग्जांपल में अपने ग्रॉस प्रॉफिट ही दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ फिर से बता दूँ, अगर आपका पहला स्टेप अगर ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट ठीक आ जाता है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अप टू दिस स्टेज। इसके और आगे चलिए, ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट
यहाँ फिगर आ गए। अब पी एंड एल अकाउंट को समझते हैं। पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आए हैं, वो हमारे सब पी एंड एल अकाउंट में आएंगे। ये एक्सपेंसेस भी स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं एक्सपेंसेस की इंपॉर्टेंस है, इन एक्सपेंसेस के बिना भी हमारी सेलिंग एक्टिविटी पूरी नहीं हो सकती है। ये एक्सपेंसेस यूजली वो हैं जिनको हम स्टाफ को हम सैलरी देते हैं, हमारे जो ऑफिसेस में बैठे हुए हैं। अगर हमने कोई ऑफिस लिया हुआ है, हमने अगर ऑफिस लिया है तो उसका रेंट देना है, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम देना है। ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी हम यहाँ लिखेंगे, कन्वेंस चार्जेस, रिपेयर चार्जेस, इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टूडेंट्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मोस्टली इतने ही होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनके अलावा जितने भी हैं सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। अब पी एंड एल अकाउंट के आप क्रेडिट साइड में आ जाइए। क्रेडिट साइड में जितना भी हमें कुछ रिसीव हो रहा है, मान लीजिए हमें रेंट हमने रिसीव किया, हमने डिस्काउंट हमने रिसीव किया है, कमीशन रिसीव किया या इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो हमने यहाँ पे रिसीव पार्ट लिख देना है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा बैलेंसिंग निकालना। हम ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट में हम इन सब अमाउंट को ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। और इस टोटल में से अगर हम डेबिट साइड के एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो जो भी फिगर बचेगी उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और आगे चलें, ये हमारा पी एंड एल अकाउंट है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। इसको हम कंबाइंड बना सकते हैं, इसको हम अलग अलग भी बना सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट अलग और यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट्स के आइटम से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। बैलेंस शीट के डेबिट साइड में लाइबिलिटीज़ और क्रेडिट साइड में एसेट्स। लाइबिलिटीज़ में हमारा सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल में अगर प्रॉफिट हुआ है तो ऐड कर देंगे, और अगर भगवान ना करे लॉस हुआ है तो उसको लेस कर देंगे। और अगर ड्राइंग्स हैं, अगर ओनर ने या प्रोप्राइटर्स ने कुछ गुड्स विड्रॉ किया है या कैश विड्रॉ किया है, तो वो हम कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस करके नेट अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके अलावा ये हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और लोन्स या बैंक लोन लिया हुआ हमने, तो ये सारी चीज़ें हम लाइबिलिटी साइड में आएंगे। अब आ जाइए एसेट साइड में। एसेट साइड में हम करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे। करंट एसेट्स में हमारा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और क्लोजिंग स्टॉक। फिक्स्ड एसेट्स में हमारी मशीनरी आ गया, फर्नीचर आ गया, प्लांट आ गया, बिल्डिंग आ गई, ये सब फिक्स्ड एसेट्स हैं। और अब हमारा ये जब हम टोटल करेंगे इसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का, तो ये जो टोटल है स्टूडेंट्स दोनों मैच होने चाहिए, मतलब दोनों मिलने चाहिए। अगर ये मिल गया तो इसका मतलब आपकी एंटायर वर्किंग बिल्कुल करेक्ट है, कुछ भी आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो टोटल पूरे 20 मार्क्स मिलेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट्स के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी है। अब इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर इन केस आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स को लेके आएंगे और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको समझिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोज़ को देखिए और हाँ, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।